बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणित विषय में क्रमबद्धता भाग 2, कक्षा 3 में गणित विषय में 3 अंकों की संख्या की जानकारी व 3 अंकों की संख्या को पढ़ना और लिखना व कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में परिवारों का आना जाना भाग 2 और गणित विषय में संख्याएं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के कुछ उदाहरण, जिनमें हम अलग अलग व्यक्तियों और वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आज छोटू की कक्षा 1 पिकनिक के लिए जा रही है। छोटू की अध्यापिका सब बच्चों को 4 के समूह में खड़े होने के लिए बोलती है। फिर वह उन 4 बच्चों को अपनी लंबाई के आधार पर छोटे से बड़े के क्रम में एक रेखा में खड़े होने के लिए बोलती है। छोटू और उसके 3 और दोस्त आरती, नेहा और सोनू एक रेखा में खड़ा होना शुरू करते हैं। सबसे पहले चारों दोस्तों में से लंबाई में सबसे छोटा बच्चा छोटू आगे खड़ा हो जाता है। उसके पीछे उससे लंबी मगर बाकी से सबसे लंबाई में छोटी नेहा खड़ी हो जाती है। नेहा के पीछे सोनू खड़ा हो जाता है। फिर अंत में आरती सोनू के पीछे खड़ी हो जाती है। मगर सोनू बस यह देखता है कि वह नेहा से लंबा है और यह नहीं कि आरती सोनू से लंबाई में छोटी है। तो बच्चों, क्या छोटू और उसके दोस्त छोटी से बड़ी लंबाई के ठीक क्रम में खड़े हैं? छोटू और नेहा तो ठीक क्रम में खड़े हैं, पर सोनू और आरती सही क्रम में नहीं खड़े। आरती यह एहसास करती है क्योंकि वह सोनू के पीछे खड़े होकर आगे कुछ देख नहीं पाती, इसलिए आरती को सोनू के आगे खड़ा होना चाहिए था क्योंकि वह लंबाई में सोनू से छोटी है। वह सोनू को उसकी गलती का एहसास दिलाती है। सोनू, तुमने बस यह देखा कि तुम नेहा से लंबाई में बड़े हो, मगर तुमने यह नहीं देखा कि मैं तुमसे लंबाई में छोटी हूँ। मैं लंबाई में नेहा से बड़ी हूँ और तुमसे छोटी हूँ, इसलिए मुझे नेहा के पीछे और तुम्हारे आगे खड़ा होना चाहिए। अरे हाँ आरती, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तो बच्चों, क्रम बनाते समय सोनू ने यह तो देखा कि वह आगे खड़े बच्चों से लंबा है, मगर यह नहीं देखा कि जो बच्चे रेखा में नहीं खड़े उनमें से सोनू से लंबाई में कोई छोटा है या नहीं, और इसलिए उससे गलती हो गई। आखिरकार छोटू और उसके तीनों दोस्त उनकी लंबाई के ठीक बढ़ते क्रम यानी छोटी लंबाई से बड़ी लंबाई के ठीक क्रम में खड़े हो गए। बच्चे पिकनिक के लिए पार्क पहुंचते हैं। वहां पर छोटू और उसके दोस्त पिट्ठू खेलने का फैसला करते हैं। सबसे पहले आरती और छोटू
पत्थरों का उनके बड़े से छोटे आकार के आधार पर एक ढेर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आरती आसपास से चार पत्थर इकट्ठे करती है, फिर वह सबसे बड़ा पत्थर सबसे नीचे रखती है। बाकी के पत्थर रखने के लिए वह छोटू की मदद मांगती है। छोटू, अब जो बाकी तीन पत्थर रखे हैं, उनमें से सबसे बड़ा पत्थर इस पत्थर के ऊपर रख दो। पर आरती, हम इन पत्थरों को बड़े से छोटे आकार के क्रम में क्यों रख रहे हैं? अगर हम छोटे आकार के पत्थर पर बड़े आकार का पत्थर रखेंगे तो वह गिर जाएगा, क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। देखो ऐसे, इसलिए हम नीचे बड़ा पत्थर रखेंगे और उसके ऊपर उससे छोटा, जिससे सब पत्थरों का संतुलन बना रहे। ओ अच्छा, अब जो दो पत्थर बचे हैं, उनमें से सबसे बड़ा पत्थर इन दोनों पत्थरों के ऊपर रख दो। यह लो आरती, और अब यह आखिरी पत्थर भी रख देते हैं। बहुत अच्छी छोटू, अब हमारा पत्थर का ढेर तैयार है। चलो अब पिट्ठू खेलते हैं। बच्चों, इस उदाहरण में आपने देखा कि कैसे छोटू और आरती ने पत्थरों को एक एक करके उनके आकार के घटते क्रम, यानी बड़े आकार से छोटे आकार के क्रम में उनका एक ढेर बनाया। तो बच्चों, क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के उदाहरण देखने में मजा आया ना? बस आज के लिए इतना ही। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 3 में गणित विषय में 3 अंकों की संख्या की जानकारी। आज हम 3 अंकों की संख्याओं के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। अरे देखो, ये सांप और सीढ़ी का खेल चल रहा है। यहाँ बड़बोले बतख चाचा, भोला गधा, शेर खान और गग्गू गेंडा खेल रहे हैं। बड़बोले बतख चाचा शुरुआत के बॉक्स में 24 कदम आगे 24 पर हैं। आइए देखते हैं कि खेल में कौन किस नंबर पर है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या पर कौन है? हाँ गग्गू, सबसे बड़ी संख्या 54 पर है। कौन सा खिलाड़ी सबसे छोटे नंबर पर है? बड़बोला बतख सबसे छोटे नंबर 24 पर है। क्या आप मुझे भोला जिस संख्या पर है उसका संख्या नाम बता सकते हो? हाँ ये 47 है। क्या आप उस नंबर को लिख सकते हो जिस पर शेर खान पहुंचा है? बहुत खूब, आपने इसे सही लिखा है। ये क्या, बड़बोले चाचा जीत गए? वाह, 100 पर पहुंच गए। अब तक हमने 2 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखा है। इस पाठ में हम 3 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखेंगे। 3 अंकों की संख्याओं की गिनती 100 से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के खेल में 100 रनों को एक शतक सेंचुरी भी कहा जाता है? आइए देखें कि चाचा ने ये खेल कैसे जीता और अन्य खिलाड़ी कहाँ हैं? ओह, चाचा को सीधे 100 तक की सीढ़ी मिली और गग्गू बेचारे को सांप ने सीधा 27 पर पटक दिया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन खिलाड़ियों को 100 तक पहुंचने के लिए कितने कदम आगे बढ़ना होगा?
अरे वाह बच्चों, आपने सारे उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह हम किसी भी दो अंकों की संख्या और 100 के बीच के अंतर को पता कर सकते हैं। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 3 में गणित विषय में तीन अंकों की संख्या को पढ़ना और लिखना। इस वीडियो में हम तीन अंकों की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। सुनो सुनो सुनो, चंपापुर के सभी वासियों को मेले में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सूचना दी जा रही है। हर टीम में 2 लोग होंगे और हर खेल जीतने पर 1 टिकट दिया जाएगा। जिस टीम के पास अंत में सबसे ज्यादा टिकट होंगे जीत जाएगा। सूचना दी जा रही है, तो चलो बच्चों, हम भी चंपापुर के मेले चले। लगता है कि चंदा भी मेले में जाने के लिए तैयार है। मगर चंदा ने ये क्या खा लिया? ये तो कुछ जादुई लग रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया, चलो चलो हम मेले में चले। पहले खेल का नाम है सबसे बलवान कौन। हर टीम को एक कोशिश दी जाएगी। जो टीम झंडे को स्केल पर सबसे बड़े नंबर तक पहुंचा पाएगी वो टीम जीत जाएगी। इस स्केल पर तो कुछ नए नंबर नजर आ रहे हैं। क्या आप इन अंकों को पहचानते हो? नहीं, कोई बात नहीं, चलिए इन संख्याओं को सबसे बलवान कौन खेल के द्वारा सीखें। पहले टीम 1 से गग्गू ने कोशिश की। उसने पूरा जोर लगाया और झंडा 100 से 13 अंक ऊपर इस संख्या पर जा पहुंचा। क्या आप इस संख्या को पढ़ सकते हो? आइए सीखें कि इस संख्या को किस तरह पढ़ा जाता है। ये संख्या 100 से 13 अंक ऊपर है, इसलिए ये संख्या पाने के लिए हम 100 में 13 जोड़ेंगे। इस तरह ये संख्या 113 हो गई। है ना आसान? खेल में अब टीम 2 से शेर खान अपनी ताकत दिखाने आ रहे हैं। वाह, झंडा सीधा गग्गू की संख्या से ऊपर 100 से 57 आगे इस संख्या पर जा पहुंचा। चंदा और बड़बोले चाचा के तो पसीने छूटने लगे हैं। चलो देखें ये कौन सी संख्या है। हमने सीखे हुए प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम इन संख्या को 157 ऐसे पढ़ सकते हैं। अब आई टीम 3 से बड़बोले चाचा की बारी। चाचा ने हथौड़े को बड़ी मुश्किल से उठाया और बहुत हल्के से वापस नीचे रख दिया। अब चंदा को ही कुछ करना होगा। सभी चंदा को देख हंस रहे हैं कि वो नन्ही सी जान उस हथौड़े को कैसे उठाएगी। अरे ये क्या हो रहा है? चंदा के आसपास ये चमक कैसी? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? चंदा ने पूरी ताकत लगा दी। झंडा सीधा सबसे ऊंची संख्या 210 पर जा पहुंचा। क्या आप इस संख्या को अंकों में लिख सकते हैं? ये बिल्कुल आसान है। शब्दों में लिखने वाली प्रक्रिया का बिल्कुल उल्टा करना है। आओ मेरे साथ इसे लिखो। 210। यहाँ 200 के आगे 10 है, इसलिए ये संख्या 200 से 10 आगे है। इसे लिखने के लिए हम 200 में 10 जोड़ेंगे। इस तरह हमारा नंबर 210 तैयार हो गया। सभी हैरान हैं कि चंदा ने ऐसा कैसे किया। इस तरह टीम 3 इस खेल का टिकट जीत गई है। लेकिन और भी खेल अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 5 में पर्यावरण विषय में परिवारों का आना जाना भाग 2। आज परिवारों का आना जाना
भाग दो में हम धीरज के परिवार की कहानी देखेंगे और जानेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके वजह से परिवारों को अपना घर छोड़कर अन्य स्थान पर जाना पड़ता है। कभी कभी कुछ परिवारों को बच्चों की शिक्षा के कारण भी दूसरी जगह जाना पड़ता है। ऐसे ही एक परिवार के सदस्य धीरज की कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं। जरा देखें कि ऐसा क्या हुआ कि धीरज और उसके परिवार को इस कारण से दूसरी जगह जाकर रहना पड़ा। अरे सौरभ के पापा, सौरभ और सुमन अब बड़े हो रहे हैं। सुमन 10वीं कक्षा में है और सौरभ अब 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। हमारा सौरभ पढ़ाई में बहुत होशियार है। आगे की पढ़ाई के लिए हमें उसे शहर भेजना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ सौरभ के साथ सुमन को भी हम आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजेंगे। मगर यह सब कैसे हो पाएगा? हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि हम दोनों बच्चों को बाहर शहर में पढ़ा सकें। हाँ, यह बात तो सही है। दोनों बच्चों को अगर हम शहर में पढ़ाएंगे तो खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना हम सभी शहर चलें। गांव में भी तो मैं मजदूरी ही करता हूँ। शहर में हम एक किराए का घर ले लेंगे, वहां भी मैं कोई मजदूरी का काम ढूंढ लूंगा। इससे परिवार का खाने पीने का खर्चा भी बच जाएगा और बच्चे भी हमारी देख रेख में अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। ये लो, सौरभ और सुमन भी आ गए, हम इनसे भी चर्चा कर लें। माँ, बापू, आज मेरे अध्यापक कह रहे थे कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, वहाँ मैं कैसे रहूँगा? हाँ माँ, बापू, भैया इतनी दूर शहर में अकेले कैसे रहेंगे? तुम लोग चिंता ना करो, मैं कल ही शहर जाकर कुछ प्रबंध करता हूँ। हम सब शहर में ही रहेंगे और तुम दोनों निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करोगे। धन्यवाद बापू। अजी पाजी, आप इतने परेशान क्यों लग रही हो? मेरा नाम धीरज है, मैं गांव से शहर आया हूँ। मैं अपने परिवार को शहर लाना चाहता हूँ। मेरे बच्चे अब शहर में ही पढ़ेंगे, लेकिन मुझे उनके रहने के लिए एक मकान किराए पर चाहिए और मुझे कहीं मकान ही नहीं मिल रहा। अजी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मेरा घर है, मेरे घर में एक कमरा है जिसमें एक परिवार किराए पर रह सकता है। आप चाहो तो आकर देख लो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए मैं आपके साथ आपका घर देख लेता हूँ। तो आपके परिवार में कौन कौन रहने आएगा? मैं खुद, मेरी पत्नी, मेरी बेटी सुमन और मेरा बेटा सौरभ, हम चार लोग एक कमरे में रहेंगे। चलिए आप मेरे साथ मेरा घर देखने। तो पाजी ये मेरा घर है, आप आ जाइए। अगर आपको ये पसंद है आप आपके परिवार के साथ यहाँ आकर रह सकते हैं।
हाँ, आपका घर तो अच्छा है। मैं आता हूँ अपने परिवार के साथ यहाँ पर। बच्चों, अब हमें इस घर में रहना है। तुम सब यहाँ पढ़ाई करो और हम किसी काम को ढूंढने के लिए जाएंगे। ठीक है, मैं इस घर को व्यवस्थित करती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ ताकि बच्चे यहाँ आराम से पढ़ सकें। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, मकान का किराया और फिर हम सबके खाने का खर्चा बहुत अधिक है। मैं सोचता हूँ दिन में मजदूरी के बाद रात को मैं कहीं चौकीदारी का काम भी कर लेता हूँ। आप इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे? आपको बहुत थकान हो जाएगी। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम वापस अपने गांव चले जाएंगे। अच्छा बच्चों, बताइए, क्या आपके पड़ोस में कोई पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर से आया हो? सोचिए सोचिए, आपके पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है? कई बार कुछ बच्चे उच्च अध्ययन करने के लिए अपने घर को छोड़कर हॉस्टल में भी पढ़ने चले जाते हैं। आपका कोई रिश्तेदार या अन्य पड़ोस में कोई बच्चा ऐसा है जो उच्च अध्ययन करने के लिए हॉस्टल चला गया हो? जरा सोचिए, यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आपके साथ क्या क्या सामान लेकर जाएंगे? नहाने का साबुन, दांत साफ करने के लिए मंजन और ब्रश, आपका तौलिया, पहनने के लिए कपड़े। हाँ, पढ़ने जा रहे हैं तो पढ़ाई के लिए बस्ता, किताब, कॉपी, पेन और भी ना जाने कितनी सारी चीजें। तो देखा बच्चों आपने, एक छोटे से बच्चे को भी यदि घर से बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़े तो उसे क्या क्या सामान लेकर जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जब धीरज का परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया होगा तो उन्हें कितना सामान इधर उधर ले जाना पड़ा होगा और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 5 में गणित विषय में संख्याएं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम गणित विषय के अध्याय 1 में संख्याओं के बारे में सीखेंगे। संख्याओं के अध्ययन में आज हम सीख पाएंगे 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय, संख्याओं का विस्तारित रूप तथा दिए गए अंकों से नई नई संख्याओं का निर्माण करना एवं दिए गए अंकों से सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करना। हम अब तक 4 अंकों की संख्याएं लिखना और पढ़ना जानते हैं। हम संख्याएं आगे बढ़ाना भी सीख चुके हैं। आओ एक बार पुनः देखते हैं। 10 इकाइयां बराबर 1 दहाई, 10 दहाइयां बराबर 1 सैकड़ा, 10 सैकड़े बराबर 1000। यह सब हम पहले से जानते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि 10000 को क्या कहेंगे? मजेदार बात यह है कि 10000 को हम 10000 ही कहते हैं और 100000 को हम 100000 कहते हैं। यह हम सब सीखते रहेंगे। आओ अभी हम 5 अंकों की संख्याएं बनाना सीखते हैं। एक सारणी लेते हैं जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार व 10000 तक के अंकों को लिखने के लिए खाने बने हुए हैं। इनमें हम कोई भी अपनी मर्जी से अंक लेते हैं
जैसे इकाई के खाने में 2 लिखा, दहाई के खाने में भी 2 लिखा, सैकड़ा के खाने में 1, 1,000 के खाने में 3 तथा 10,000 के खाने में 2 लिखा। अब इनको एक संख्या के रूप में लिखने के लिए हमें इनके विस्तार रूप का पता होना चाहिए। इनके विस्तार रूप में इकाई के 2 को इस प्रकार से लिखेंगे, दहाई के 2 के साथ दहाई के स्थान पर 2 तथा इकाई के स्थान पर 0 आएगा। इसी प्रकार से सैकड़ा के स्थान पर 1 है, इसके साथ दहाई और इकाई के स्थान पर 0 0 आएंगे। इसी क्रम में 1,000 के स्थान पर 3 है तथा 3 के आगे सैकड़ा के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 0 व इकाई के स्थान पर भी 0 आएगा। अब आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से 10,000 का अंक 2 लेते हैं तथा उसके आगे भी 1,000, सैकड़ा, दहाई व इकाई के स्थान पर 0 0 0 0 आएंगी। और यदि इसे एक संख्या के रूप में लिखते हैं तो यह इस प्रकार से लिखी जाएगी तथा इसे 23,122 बोलेंगे। अब आप इस सारणी को अपनी कॉपी में बनाकर नीचे के खानों में नए नए अंक लिखकर अभ्यास करें, आपको खूब मजा आएगा। आओ अब हम संख्याओं के विस्तारित रूप को एक बार पुनः समझते हैं। इसके लिए हम एक नई सारणी बनाते हैं तथा उसमें अंक 8, 5, 2, 4 और 0 से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बना बनाकर उनके विस्तारित रूप और उन्हें शब्दों में लिखते हैं। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी, इसका विस्तारित रूप इस प्रकार से होगा, इकाई के स्थान पर 0, दहाई का विस्तारित रूप 40, सैकड़े के स्थान पर 2 है तो इसका विस्तार रूप 200, 1,000 के स्थान पर 5 है तो इसका विस्तार रूप 5,000 और 10,000 के स्थान पर 8 है तो इसका विस्तार रूप होगा 80,000। और इसे शब्दों में हम बोलेंगे या लिखेंगे तो यह है 85,240। इसी प्रकार से आप नए नए अंकों से अपनी कॉपी में कई और संख्याएं बनाओ तथा उनका विस्तारित रूप लिखो और फिर उन्हें शब्दों में लिखो। आप यह सब बड़े आसानी से कर पाओगे। अब एक नई बात, क्या तुम दिए गए अंकों से 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बना सकते हो? है ना एक नई बात। चलो एक बार इन्हीं अंकों से इसी सारणी में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाकर देखते हैं। इसके लिए एक सरल नियम है कि जो दिए गए अंक हैं उनमें से सबसे बड़े अंक को आप अपने बाईं तरफ और उससे छोटे अंक को उसके दाईं तरफ, उससे छोटे अंक को और दाईं तरफ और इसी क्रम में रखते जाएंगे तो बनने वाली संख्या उन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होती है और इस प्रकार बनने वाली संख्या को हम बोलते हैं 85,420। आशा है इस तरह सीखना आपको अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार इन्हीं अंकों से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आरंभ में अर्थात 10,000 के स्थान पर हमें 0 के अलावा इनमें से जो सबसे छोटा अंक है उसे लेना होगा, क्योंकि संख्या बनाते समय सबसे बड़े स्थान पर 0 को लेने से वह संख्या के साथ नहीं गिनी जाती है। इसलिए ऐसा करने से हमारी संख्या 5 अंकों की जगह केवल 4 अंकों की मानी जाएगी। इसलिए हमें दिए गए अंकों में से 0 के अलावा सबसे छोटा अंक 2 10,000 के स्थान पर लिखना है। इसके तुरंत बाद 1,000 के स्थान पर हमें 0 लिखना होगा। यह एक नियम के रूप में याद रखें। इसके पश्चात हमें सैकड़ा के स्थान पर 4, दहाई के स्थान पर 5 और इकाई के स्थान पर सबसे बड़ा अंक 8 लिखना होगा। आप समझ गए होंगे कि छोटे अंक
बाईं ओर और बड़े अंक दाईं ओर लिखने से हमारी सबसे छोटी संख्या बनती है, दिए गए अंकों से सबसे छोटी संख्या बनती है। इस प्रकार इन अंकों से बनने वाली संख्या 20,458 पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या है। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा एक में गणित विषय में क्रमबद्धता भाग दो, कक्षा तीन में गणित विषय में तीन अंकों की संख्या की जानकारी व तीन अंकों की संख्या को पढ़ना और लिखना, व कक्षा पांच में पर्यावरण अध्ययन विषय में परिवारों का आना जाना भाग दो और गणित विषय में संख्याएं। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा एक में गणित विषय में वस्तुओं के स्थान, कक्षा दो में हिंदी विषय में बिल्ली और चूहा, व कक्षा तीन में गणित विषय में तीन अंकों की संख्याओं का विस्तारित रूप। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की शिक्षिका डॉक्टर जयश्री माथुर व श्री उदय सिंह बेनीवाल जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की कोई शंका है आपको, तो हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 3130001।